नई वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें जाट मोड्स चैनल, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। क्या आप जानते हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बारे में ये 22 अद्भुत तथ्य। एक, सन 1948 में भारत सरकार ने ग्वालियर और उत्तरी भारत ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के नाम से चल रही कंपनी को अधिग्रहित कर लिया, जो बेहतर काम नहीं कर पा रही थी, और उसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विस DTS के नाम से चलाने का फैसला किया। दो, दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सन 1950 में रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन DTC के तौर पर काम करना शुरू किया। यह सन 1958 में दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के नाम से MCD का हिस्सा बन गया। तीन, अंततः सन 1971 में DTU की कमान स्थानीय राज्य सरकार को सौंप दी गई। चार, आज DTC बस सर्विस पूरी दुनिया की CNG से चलने वाली सबसे बड़ी बस सर्विस है। पाँच, DTC लगभग 18,000 लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराता है। छह, DTC का बस कंडक्टर टिकट देने से पहले उसे दो जगह पर फाड़ता है, पहला उस जगह के लिए जहां से आप चढ़ते हैं और दूसरा आपके गंतव्य स्टॉप के लिए। सात, ऑरेंज कलर की चलने वाली बसों का DTC से कोई लेना देना नहीं होता। आठ, DTC बसों में टिकट लेने के लिए आपको टिकट कंडक्टर तक खुद जाना होगा। नौ, DTC के काफिले में टाटा मार्कोपोलो बसें चलती हैं। टाटा मार्कोपोलो इंडिया के टाटा मोटर्स इंडिया और ब्राजील के मार्कोपोलो का जॉइंट वेंचर है। 10. DTC की लाल बसें पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड हैं और वहीं हरी बसें नॉन AC हैं। 11. DTC बस के टिकट पर 3 या 4 डिजिट में लिखा हुआ नंबर उस बस के रूट का परिचायक होता है। 12. दिल्ली से लाहौर को चलने वाली बस सेवा भी DTC इंडिया ही संचालित करता है। 13. DTC दिल्ली काठमांडू की सेवा भी संचालित करता है। 14. DTC दिपनी पत्रिका के नाम से एक स्व संस्थागत मैगजीन भी निकालता है। 15. DTC के पूरी दिल्ली में 77 केंद्र हैं, जिसमें से अधिकतर टर्मिनल और बस डिपो ही हैं। 16. 208,369 वर्ग मीटर की लंबाई चौड़ाई का मिलेनियम पार्क बस डिपो परिसर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बस डिपो है। 17. रेड बसों का अधिकतम किराया ₹50 है और वहीं हरी बसों का ₹30। 18. प्रतिदिन दिल्ली की सड़कों पर लगभग 3,100 बसें दौड़ती हैं। 19. पूरी दिल्ली में चलने वाली ये बसें लगभग 773 रूट्स कवर करती हैं। 20. DTC के पास सिर्फ दिल्ली दर्शन के बाबत ही स्पेशल सेवा है, जिसे वे प्रतिदिन चलाते हैं। इसमें एक आदमी से ₹100 लिए जाते हैं और बच्चों से ₹100 चार्ज करने के बावजूद सीट की गारंटी नहीं होती। 21. DTC के पास कंप्यूटराइज्ड पास सिस्टम है। पास होल्डर को पास के साथ साथ हिट कार्ड भी मुहैया कराया जाता है। 22. DTC में लगभग 500 महिला कंडक्टर कार्यरत हैं। यह नहरानी वाली बात, मगर इतनी उपलब्धियों के बाद भी DTC रुका और थका नहीं है, और इसी क्रम में एक महिला का बतौर DTC बस ड्राइवर कार्य शुरू करना इस बात का परिचायक है कि DTC को कोई रोक नहीं सकता, और दिल्ली की जान DTC में ऐसे ही थोड़े न बसती है।